विश्वव्यापी रूपमा महामारी सरह फैलिएको कोरोना भाइरस बारेमा राज्यको सबैभन्दा ठूलो खण्डमा पर्ने दार्जिलिङ पुलबजार खण्डमा हालसम्म कुनै शंका नरहेको बिजनबारी ग्रामीण अस्पताल अधिकारीले जानकारी गराएका छन्। डाक्टर ज्योति विश्वास हूँ, बिजनबारी रुरल हस्पिटलका मेडिकल अफिसर। यहाँ पे तो कोरोना भाइरस का जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, हमारे हॉस्पिटल से भी स्टार्ट हुआ है। सेंट्रल से एक टीम आया था कुछ दिन पहले, एक रिम्बिक जो साइट है नेपाल बॉर्डर साइट में, वहाँ पे एक कैंपेनिंग हुआ है। वहाँ पे पोस्टर दे के लोकल जो विलेजर्स है उन लोगों को हम लोग सेंसिटाइज किए हैं। और इस बीमारी के लिए जो जो प्राइमरी जो हम लोग प्रोटेक्शन लेना चाहिए, ऐसे हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। और कोई सर्दी का सी जुकाम मैंने कॉमन कोल्ड कफ का कोई पेशेंट है उससे थोड़ी 1 मीटर का दूरी बजाय रखना है। और कोई भी बीमारी होगा तो प्राइमरी सेंटर में आके उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसके लिए तो हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे जो जो सब सेंटर है वहाँ से जो NM अंडर है वो लोग सब कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो लेबोंग जो साइट है उसमें एक फॉरेनर भी आए थे, उनको भी सेंसिटाइज किया है। और कोई भी केस ऐसा सस्पेक्ट हो रहा है तो हम लोग उसको हायर सेंटर जो है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे रेफर भी कर रहे हैं। इसके लिए प्रोग्राम चल रहा है हम लोग का। और हमारे हॉस्पिटल में भी जो मास्क प्रोटेक्शन के लिए है उसका थोड़ा अभी तक सप्लाई कम है, फिर भी जितना हो सके 10-12 वो सेट आ रहा है। उसको देखे हम लोग स्टार्ट किए हैं जितना जल्दी हो सके। जी सर, क्या है ना हॉस्पिटल मतलब हेल्थ के तरफ से जगह जगह में वो कोरोना वायरस टेस्टिंग सेंटर वो रखने की बात की जा रही है सर, उसके बारे तो, में तो सेंट्रल से हो रहा है, स्टेट में है, फिर मेडिकल कॉलेज से, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है। हमारे तो अभी तक सब फैसिलिटी स्टार्टअप पेरीफेरी है इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ है, मगर जब फैसिलिटी आ जाएगी, इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, धीरे धीरे वो करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अभी तो जो जो है प्राइमरी वो सब कर रहे हैं, उसके बाद और दार्जिलिंग में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही और रेफर हो रहा है कोरोना सस्पेक्ट होगा तो। सर जितना भी दर्शक है जो देख रहे हैं उसके बारे में उसके उसी के लिए क्या सर क्या संदेश देना चाहेंगे मतलब हेल्थ के लिए या कोई हेल्थ के लिए तो हम लोग को जो प्राइमरी जो इंस्ट्रक्शन है जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कोई भी कफ एंड कोल्ड मतलब सर्दी खांसी का बीमारी हो उसको अपना हाइजीन मेंटेन में बार बार हाथ धोना पड़ेगा। अल्कोहल जैसे सैनिटाइजर दे के साबुन सबसे भी धोने से भी होगा। और कोई भी बीमारी हो ऐसे पेशेंट से तो 1 मीटर का दूरी बजाय रखना पड़ेगा जी। और कोई भी सीरियसली इल हो रहा है, कोई सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है और बुखार कम नहीं हो रहा दवाई खाने के बाद से भी, तो आके हॉस्पिटल में हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा और इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, यही हम लोग बोल रहे हैं। सर बिजनबारी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में कुछ मरीज आया है इस कोरोना मतलब ये सर पॉजिटिव तो अभी तक सस्पेक्ट नहीं हुआ है। अभी तक जो सर्दी का सी जो है वही पेशेंट आ रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेट नहीं करके तो हम लोग साइन सिम्टम तो नहीं बोल देख के तो नहीं बोल सकते जी। अभी तक तो ऐसा कोई सस्पेक्ट नहीं हुआ है, फ्यूचर में होगा तो उनको तो हम लोग नोटिस करके और डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो भेज देंगे।